गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ज्योति विजय, क्लास फोर्थ, जीके, चैप्टर नंबर फोर, लोगोज एंड सिंबल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगोज दिए गए हैं और कुछ सिंबल दिए गए हैं, इट मीन्स चिन्ह, हमें उनको आइडेंटिफाई करने हैं। हेयर आर द लॉक्स ऑफ सम बैंक्स, हेयर आर द लोगोज ऑफ सम बैंक्स, यहाँ पर लोगो दिए गए हैं कुछ बैंकों के, आइडेंटिफाई देम, उनको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट देयर नेम, और उनके नेम लिखने हैं। ओके, हेयर आर द लोगोज ऑफ सम बैंक्स, यहाँ कुछ बैंकों के लोगोज दिए गए हैं, आइडेंटिफाइड देम, उनको आइडेंटिफाई पहचानना है एंड राइट देयर नेम, और उनके नेम लिखना है। ओके, हेयर हेल्प बॉक्स भी यहाँ मेंशन है। ठीक है, हेल्प बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट ICICI बैंक, सेकेंड यूनियन बैंक, थर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ अलाहाबाद बैंक, फिफ्थ HDFC बैंक एंड सिक्स्थ पंजाब नेशनल बैंक। ओके, ठीक है, तो यहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, सबको दिख रहा है, फर्स्ट सबको समझ में आएगा, ये है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है जो फर्स्ट है, ये किसका है, पंजाब नेशनल बैंक। सो हम यहाँ राइट करेंगे इसको, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब, ठीक है, नेशनल बैंक, PUNJAB पंजाब, NATIONAL नेशनल, BANK बैंक। ओके, ये कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, हमें देखना है सेकंड कि कौन सा सिंबल दिया हुआ है, इसे लोगो दिया हुआ है, इसे हमें पहचानना है ये किस बैंक का है। देखिए सेकंड जो लोगो दिया हुआ है, ये हमारा है ICICI बैंक का, सॉरी स्टेट बैंक का। कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, STATE स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट STATE स्टेट, BANK बैंक, OFINDIA इंडिया। ओके, नेक्स्ट है थर्ड है यहाँ पर, लुक थर्ड यहाँ पर है, थर्ड है HDFC बैंक, HDFC बैंक। ठीक है, फोर्थ है, इसे फोर्थ नंबर डालना है, फोर्थ है ICICI बैंक, ICICI बैंक। ठीक है, फिफ्थ है अलाहाबाद बैंक, ALLAHABAD अलाहाबाद बैंक। ठीक है, एंड द सिक्स्थ है यूनियन बैंक, ओके। देखिए फर्स्ट है यहाँ पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड स्टेटमेंट बैंक का लोगो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, थर्ड है HDFC बैंक का, फोर्थ है ICICI बैंक का,
फिफ्थ अलाहाबाद बैंक का एंड सिक्स्थ यूनियन बैंक का। ओके तो देखिए हमने सिटीज चेंज की थी, यहाँ पर फोर्थ था जिसको हमने फोर्थ की जगह सिक्स और था उल्टा दिया हुआ था, इसलिए हमने फोर्थ को सिक्स कर दिया, सिक्स को फोर कर दिया। ओके ठीक है, तो देखिए जो आपके ये था पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अलाहाबाद बैंक एंड यूनियन बैंक। ठीक है, तो देखिए जो HDFC बैंक होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या होती है हाउसिंग, ठीक है डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, HDFC बैंक की हो गई थी, ICICI बैंक की देखिए। ठीक है, HDFC बैंक की मैंने बताया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, अब हम ICICI बैंक का, ICICI बैंक में देखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। ओके ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन बैंक। ओके ठीक है, फिफ्थ है अलाहाबाद, सिक्स्थ है यूनियन बैंक। ओके नेक्स्ट देखिए, हेयर आर द सिंबल ऑफ डिफरेंट थिंग्स गिवन राइट देयर नेम्स। यह सिंबल दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के और उनके नेम आपको यहाँ राइट करने हैं। ओके यहाँ दिया है WWF, तो WWF का देखिए ये आपको क्या है सिंबल है WWF का, इसकी फुल फॉर्म होगी देखिए वर्ल्ड वाइड फंड। क्या होगी वर्ल्ड वाइड फंड, हेयर हेल्प बॉक्स भी आपको मेंशन है। अब आप देखिए यहाँ लिख लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड फंड। ओके वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट देखिए सेकंड, जिस ये भी सिंबल दिया हुआ है आपको, जिस सिंबल है जस्टिस, जिस सिंबल किसका है जस्टिस, किसका है जस्टिस का। ओके नेक्स्ट देखिए थर्ड, थर्ड आपका किसका है, ये है आपका ठीक है वर्ल्ड वाइड फंड और नेचर ये इसी में ही है, और ये आपका है पीस का, किसका है सिंबल किसका है पीस का। ओके तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, नेक्स्ट जस्टिस एंड नेक्स्ट पीस। ओके लुक अगेन, देखिए फर्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड HDFC बैंक, ठीक है फोर्थ ICICI बैंक, फिफ्थ अलाहाबाद बैंक एंड सिक्स्थ यूनियन बैंक। ओके और नीचे देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल दिया था WWF, तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सेकंड है जस्टिस सिंबल है, और थर्ड है पीस का सिंबल। ठीक है, तो आपको ये आपकी बुक में फिल करनी है, ठीक है, और आपको इनको आपकी बुक में प्रॉपर फिल करना है। ठीक है, आपको इसको नोटबुक में नहीं करना है, ओनली आपको बुक में इसको फील करना है। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।